गर्मियों में आम और पुदीने का शरबत पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और पुदीना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए आज हम पुदीना और कच्चे आम का शरबत बनाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नीता के अमेजिंग किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में कैसे बनाती हूँ जो आपको बताती हूँ, और इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं आपको। कच्चा आम और पुदीना का शरबत बनाने के लिए हमने लिया है 2 आम, ये वजन से 500 ग्राम है। ये मुट्ठी भर हमने पुदीना लिया है, इसको धोकर साफ कर लिया है, और ये 1 छोटा चम्मच हमने भुना जीरा पाउडर लिया है, 4 चम्मच हमने चीनी लिया है, और ये 1/2 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, और 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक लिया है, और ये कुछ आइस क्यूब लिए हैं। सबसे पहले हम आम को छील लेते हैं, इसका ऊपरी भाग काट देंगे, अब इसको काट छील लेते हैं। आम को छील लिए हैं, अब इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, इसको काट लेंगे, छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह दोनों आम को काट लेंगे। अब सारे आम को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, अब एक जार लेंगे और उसमें सारे आम डाल देंगे। अब इसमें पुदीना डाल देंगे, चीनी। जब तक मैं इसमें चीनी, भुना जीरा पाउडर और दोनों नमक डालती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर बटन दबा दीजिए। तो हम पेस्ट बना लेंगे, यहाँ के फाइन पेस्ट बना लिए हैं, देखिए तैयार है पेस्ट। अब इसको हम छान लेंगे, छान लेंगे, इसका मोटा पीसेस आम का ना रहे इसलिए इसको हम छान लेते हैं। देखिए इतना छान लिए, इतना बच गया है, एक छना नहीं रहा, इसको हम रख देंगे अलग करके। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसे कलर तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को पूरा डार्क कलर ही पसंद है आम केरी के शरबत में, इसीलिए हम इसमें 2 बूंद ये फूड कलर डाल दे रहे हैं। आप इसको चाहे तो ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकती हैं। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं गिलास में। मेरा कच्चा आम केरी पुदीना का शरबत तैयार है। इस तरह बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरा कच्चे आम और पुदीने का शरबत बनके तैयार है। आप इसे बच्चों और बड़ों को सबको दीजिए, सबको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये शरबत की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी सब रेसिपी कैसी लगती है।